एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, वेलकम बैक। इट्स फाइकस वेरिनस ग्रोइंग फ्रॉम कटिंग। वेन आई स्टाइलिंग योर प्लांट एंड वायरिंग हार्ड एंड ट्राई टू बैंड इट, इट्स ब्रोक डाउन। तो प्लांट को मैं स्टाइल कर रहा था और वो टूट गया था, तो ये उसकी ये बड़ी स्टेम थी। दिस इज द सेम प्लांट। दिस प्लांट वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन फ्रॉम द अनदर प्लांट, सो आई इमिडिएटली प्लांटेड इट इन अ सॉइल एंड इट सर्वाइव एंड नाउ इट्स लाइक दिस। सम ब्रांचेस गोज ड्राई बैक बट नाउ इट्स हेल्दी। लास्ट ईयर आई रिपोर्ट दिस इन दिस काइंड ऑफ पॉट एंड ट्राई टू ग्रीव नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आई पुट इट इन वाटर पॉट एंड ट्राई टू ट्रेन एज अ बॉन्साई बट आई थिंक इट्स नॉट। तो वो मुझे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिला है, तो मैं उसको बिग ग्रोइंग पॉट देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव इट अ बिग ग्रोइंग पॉट, लिटल बिग, सो इट विल ग्रो वेल। लास्ट ईयर आई ट्रांसफर इट इन अ ग्राउंड टू पॉट एंड नाउ आई वॉन्ट टू गिव अ ग्रोइंग पॉट। नाउ इट्स अ स्वेलिंग, इट्स अ न्यू लीफ हियर, सो इट विल सर्वाइव quickly and grow more during the spring. So let's remove it from the pots and see the root growth. It's a green net. So I planted in a well-drained soil with brick white. So let's see the root growth inside the pot or check out the root wall. The result of a well-drained soil. See, it's fibrous root. So it is very important to train this kind of fiber root in a well-drained soil and especially in with brick bites. It's a result of a brick bites and this is the need of bonsai. Let's see how look like the root growth and fibrous root. I trim some roots from bottom. जब इसे roots develop हो जाते हैं तो कोई डर नहीं रहता दोस्तों, ये bonsai के लिए best हो जाता है। उसको आप कोई landscape में भी लगा दे तो ये suitable हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह के root generate होने लगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। Let's spray the little water in a root system to prevent a moisture inside the root ball. Let's check the some surface root. So it's a very good development of a surface root और bottom में भी अच्छे roots हैं, कुछ बड़े roots भी हैं, तो base बहुत ही अच्छा है, यहाँ भी अच्छे roots हैं। देखिए
ये है हमारा बॉन्साई के लिए बहुत ही हेल्दी रूट्स। ऐसे रूट चाहिए और ऐसे रूट डेवलप हो गए तो आप समझो कि आप बॉन्साई के करीब हैं। अभी मैं भी अभी अभी ही इस तरह का रिजल्ट मिला है मुझे, नहीं तो मेरे प्लांट्स में भी ऐसे रूट्स नहीं थे। मैं भी अभी ही सीखा हूँ, 2011 से मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ रेगुलरली। तो चलिए, प्लांट को हमने ले लिया है पॉट में। वी प्लेस द प्लांट इन आवर ग्रोइंग पॉट सो इट विल ग्रो मोर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड चेक द रूट सिस्टम लास्ट ईयर हाउ इट्स ग्रो। सो फर्स्ट नीड टू एंकर द plant and the soil mix it's from cutting from other bonsai plants. तो अगर आपको सही टेक्निक पता है तो आप कभी भी कैसे भी बॉन्साई स्टार्ट करें, आप जल्द ही बॉन्साई बनाने लगोगे। मगर सही टेक्निक पता नहीं है तो आपको बहुत सालों लग जाएंगे या आप बना ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग हमसे सीख रहे हैं तो आपको ये सब फ़ायदा हो सकता है कि कैसे कब क्या करना चाहिए प्लांट्स के साथ और कैसा सोइल मिक्स देना चाहिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही चलते होंगे इस तरह प्लांट के साथ, मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताइए। सब में अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, मैं भी कुछ बुरा भी कर रहा हूँ मुझे पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर कुछ अच्छी बातें हो तो सीखिए, मज़ा आएगा बॉन्साई बनाने में। और जल्दी से प्लांट तैयार होंगे हमारे। तो इतने सालों से मैं भी काम कर रहा हूँ मगर पिछले साल से ही मुझे पता चला है कि इस तरह से आप ग्रोइंग पॉट ले लें, ये 20 रुपीस में हो जाता है, बहुत ही चीप। और सोइल अपने आप घर पे बना सकते हैं। और ये अच्छा सोइल मिक्स मैंने पिछले साल बनाया था, इस बार तो मैंने मिट्टी भी नहीं इस्तेमाल की तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्या रिजल्ट मिलता है इसके लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे, फॉलो करते रहे हो सके तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।